आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कॉमर्स लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये जानना जरूरी है कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों क्लास 10th के बाद जो स्ट्रीम हमें डिसाइड करनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो बिल्कुल आपको सोच समझ के करना चाहिए कि आपको कॉमर्स लेने तो कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लेने तो आर्ट्स लीजिए, साइंस लेने तो साइंस लीजिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉमर्स के बारे में, कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 11th के कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी है यानी कि कौन से मेन सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट ऑप्शनल है, और उसके साथ साथ आपको जो सब्जेक्ट है उनके बारे में मैं आपको ओवरव्यू भी दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या चीज़ पढ़ना होता है ताकि आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लग सके। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष एरिना यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 11th में जो कॉमर्स स्ट्रीम होती है इसमें टोटल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 5 में से 4 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं यानी कि वो सभी स्टूडेंट को पढ़ने होते हैं, और एक सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल होता है जो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट के जगह 6 सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है यानी कि एक एडिशनल सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। एडिशनल सब्जेक्ट का फायदा ये होता है कि मान लीजिए कि आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए और एडिशनल सब्जेक्ट में आप पास हो तो आप ओवरऑल पास हो जाओगे। लेकिन एडिशनल सब्जेक्ट की जो सुविधा होती है सभी कॉलेज स्कूल में नहीं होती, किसी किसी में ही होती है। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं, आपको बताया जाता है कि किस तरीके से बिजनेस मैनेज किया जाता है, किस तरीके से आपको बिजनेस की लॉ के बारे में जानना जरूरी होता है, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, यानी कि ओवरऑल बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कॉमर्स में कौन कौन से मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए अगर हम लोग कॉमर्स क्लास 11th मेन सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपको अकाउंटेंसी पढ़नी होती है। अकाउंटेंसी का मतलब होता है लेखांकन, लेखांकन का मतलब सीधी सीधी भाषा में आप ये समझ सकते हो कि लिखा पढ़ी का काम, यानी कि डाटा मैनेज करना कि कहाँ प्रॉफिट हो रहा है कहाँ लॉस हो रहा है। अकाउंटेंसी में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है, उसके साथ साथ आपको ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताया जाता है, आपको बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी जाती है कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को लेके चल सकते हो। तो पहला सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। दूसरी सब्जेक्ट है दोस्तों इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थशास्त्र इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को समझ सकें कि ये अर्थव्यवस्था क्या होती है या किस तरीके से काम करती है, हम अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कॉमर्स सब्जेक्ट है वो होता है दोस्तों बिजनेस स्टडीज। जी हाँ, इसमें आपको बिजनेस से जुड़ी सभी तरह की जानकारी दी जाती है, जैसे कि बिजनेस में आप कैसे मार्केटिंग करेंगे, किस तरीके से आप बिजनेस की प्लानिंग करेंगे, किस तरीके से अपने बिजनेस को शुरू करेंगे, इसे कैसे आगे लेके जाएंगे और बिजनेस किस तरीके से काम करता है, यानी कि ये सारी जानकारी आपको बिजनेस स्टडीज के रूप में दी जाती है। उसके बाद जो फोर्थ मेन सब्जेक्ट होता है वो होती है इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, आपको इंग्लिश भी एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी कॉमर्स स्ट्रीम में। कहीं कहीं क्या होता है कि जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसको एज अ ऑप्शनल ले लेते हैं। किसी किसी स्कूल में इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट के भी रूप में होता है और किसी किसी स्कूल में इकोनॉमिक्स को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी काउंट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके स्कूल के ऊपर। तो हमने जान लिया कि कौन कौन से मेन सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज जिसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपके पास 3-5 सब्जेक्ट्स के ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई एक सब्जेक्ट ले लोगे, उसके बाद आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो सबसे पहले आपकी हिंदी आती है, हो सकती है कि आप दूसरे स्टेट में रह रहे हो गुजरात महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर गुजराती मराठी हो तो ये आपके स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। उसके बाद दोस्तों मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप इकोनॉमिक्स ले रहे हो तो अगर आप इकोनॉमिक्स के साथ मैथमेटिक्स ले लोगे तो इसका आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। उसके बाद दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन भी आता है, इसमें भी आगे फ्यूचर में बहुत अच्छी डिमांड हो सकती है और ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग भी होता है। उसके बाद आप म्यूजिक ले सकते हो, डांस ले सकते हो,
अगर आपके स्कूल में योगा है तो योगा ले सकते हो, उसके बाद आप ड्राइंग ले सकते हो, साइकोलॉजी ले सकते हो। कहने का मतलब है कि जो मैंने इतने 7-8 आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में बताए, ये सभी स्कूल में ये सारे सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होंगे। हो सकता है कि इसमें से 2 ही अवेलेबल हो सकता है कि इसमें से हिंदी अवेलेबल हो और मैथमेटिक्स अवेलेबल हो, तो उसी में से आपको एक लेना पड़ेगा। हो सकता है कि इसमें 3 सब्जेक्ट हो, हिंदी हो आपका, ड्राइंग हो, या फिर हो सकता है म्यूजिक हो, तो इन तीनों में से एक लेना होगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं या फिर जो भी मेन सब्जेक्ट है, वो पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं कि आपका स्कूल कौन सा है, आपका बोर्ड कौन सा है। तो आप जिस भी स्कूल में एडमिशन लेने वाले हो, तो एक बार पता कर लीजिए कि इस स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट है। जरूरी नहीं कि सभी सब्जेक्ट सभी स्कूल में अवेलेबल हों। इसलिए दोस्तों, एक बार आपको स्कूल में पता जरूर से कर लेना चाहिए, या फिर जो भी इस स्कूल में पहले से स्टूडेंट स्टडी करो, उनसे आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिससे आपको बेटर आइडिया लग सकता है। हमने जान लिया कि कॉमर्स क्लास 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन से मेन सब्जेक्ट होते हैं, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मैंने कोशिश भी की कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे कि कौन सब्जेक्ट में क्या चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि अगर मैं इसे डिटेल में बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं किसी और वीडियो में कोशिश करूँगी एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। लेकिन दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि कॉमर्स से अगर आप क्लास 12 पास करते हो, उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो, आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है। क्योंकि दोस्तों, हम लोग जो भी पढ़ाई करते हैं, हम लोग आगे सोच के करते हैं कि हमें आगे फ्यूचर में ये चीज़ करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखो, क्लास 12 पास करने के बाद आप सभी फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। अगर आपको आर्मी में जाना है, आप आर्मी में जा सकते हो। अगर आपको नेवी एयरफोर्स में जाना है, आप उसमें भी जा सकते हो। जी हाँ, नेवी और एयरफोर्स में भी जा सकते हो कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करके। उसके बाद दोस्तों, अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो आप आगे ग्रेजुएशन कर सकते हो। आप ग्रेजुएशन में आप चाहो तो बीकॉम कर सकते हो, आप चाहो तो आगे जाके बीए भी कर सकते हो, आप चाहोगे तो आप आगे जाके बीसीए भी कर सकते हो। यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में है, आपका इंटरेस्ट है कोडिंग में है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में है, तो आपके पास बीसीए करने का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप चाहो तो आप एनडीए भी कर सकते हो, अगर आपको डिफेंस में जाना है। उसके अलावा आपके पास टीचर बन सकते हो, आप अगर लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप लॉयर बन सकते हो, आप बैंक में जॉब कर सकते हो, आप रेलवे में जॉब कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पुलिस में जाना है, पुलिस में जा सकते हो, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो आप वो भी बन सकते हो। तो दोस्तों, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कॉमर्स से पढ़ाई करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बस डिसाइड करना है आपको कि आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो। उस अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी जितनी अच्छी करोगे, जितना राइट डायरेक्शन करोगे, उतना ही जल्दी आप सक्सेस को पाओगे। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। सबसे पहले क्लास 11th क्लास 12th की पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिए। क्लास 11th में बच्चे थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों, आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिएगा तो क्लास 12 के बाद आपको उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप बन सकते हैं, यानी कि ऑप्शन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में एक और चीज़ बताइए कि क्लास 10th में आपके कितने परसेंटेज मार्क्स थे। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।